Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CM Manoj Gupta and you are watching All About Taxes. GST और Income Tax के इतने busy schedules में कुछ announcements हुई हैं जो आप लोगों के साथ मैं share कर रहा हूँ. सबसे पहली announcement है कि bank जो है वो 31st of March 2018 को open रहेंगे और वो भी रात को 8 बजे तक. जी हाँ, 31 मार्च 2018 को आप tax की payment कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं till midnight on 31st March 2018. The government of India has desired that all government's transaction with bank for financial year 2017-18 must be accounted for within the same financial year and has requested that as in previous years, certain special arrangements be made for this purpose. Accordingly, all agency banks should keep the counter of their designated branches conducting government banking open for government transactions up to 8 p.m. on 31st March 2018. All electronic transactions including RTGS and NEFT will continue till midnight on 31st March 2018. Banks may give adequate publicity to the special arrangements made. तो अब आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं 31st मार्च 2018 को भी टिल 8 p.m. रात को 8 बजे तक. उसके बाद जो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है GSTR 6 जो कि फाइल करनी थी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को 31st मार्च 2018 लास्ट डेट थी जिसमें कि जुलाई 2017 से फरवरी 2018 तक की डिटेल्स फाइल करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने वह डेट एक्सटेंड कर दी है. अब आपको जो डिटेल्स फाइल करनी है जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 तक की डिटेल फाइल करनी है और वह आप कर सकते हैं 31st मई 2018 तक. द सेंट्रल गवर्नमेंट टूडे एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग GSTR 6 by the input service distributors for the month of July 2017 to April 2018 until the 31st day of May 2018. Earlier the due date notified was 31st March 2018. उसके बाद GSTR 1 की डेट अनाउंस की गई है फॉर द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न हैविंग टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस और मोर. तो जिनकी भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है और मंथली GSTR 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है उनके लिए डेट अनाउंस की गई है अप्रैल 2018 मंथ के लिए 31st मई 2018 लास्ट डेट रहेगी, मई 2018 मंथ के लिए June 10 2018 लास्ट डेट रहेगी, June 2018 मंथ के लिए 10th जुलाई 2018 लास्ट डेट रहेगी. Council hereby extends the time limit for furnishing the detail of outward supplies in form GSTR 1 for the persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year as per given time. तो अप्रैल 2018 के लिए अब 31st मई 2018 तक आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, मई 2018 मंथ के लिए आप 10 जून 2018 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं और June 2018 मंथ के लिए आप 10th जुलाई 2018 तक अपने GSTR 1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं. उसके साथ ही अनाउंस की गई है क्वार्टरली जिनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, GSTR 1 जिनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो वो लोग अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए 31st ऑफ जुलाई 2018 तक अपने GSTR 1 फाइल कर सकते हैं. द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज द रजिस्टर्ड पर्संस हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ रुपीज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर एज द क्लास ऑफ पर्संस हु शैल फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर. The said person shall furnish the detail of outward supply of goods or services or both in form GSTR 1 effected during the quarter April to June 2018 till 31st day of July 2018. तो जिनको क्वार्टरली GSTR 1 रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है वो अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31st डे ऑफ जुलाई 2018 तक. लास्ट जो अनाउंसमेंट हुई है फॉर्म GST ट्रांस 2 जिसकी फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी 31st ऑफ मार्च 2018 तक, उसको अब आप 30 जून 2018 तक फाइल कर सकते हैं. द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय एक्सटेंड्स द पीरियड फॉर फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म GSTR ट्रांस 2 टिल 30th डे ऑफ जून 2018. तो ये वो अनाउंसमेंट थी जो आपको पता होनी चाहिए. देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को.